जजों की नियुक्ति पर टकराव जो है वो एक बार फिर यहां देखने को मिल रहा है। केंद्र और सुप्रीम कोर्ट में ये टकराव की स्थिति पैदा हुई है। जो खबर आई है उसमें सूत्रों के हवाले से केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने सीजेआई को चिट्ठी लिखी है, जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल करने का सुझाव दिया गया है। केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में शामिल करने की बात इस चिट्ठी में कही गई है और यह भी कहा गया कि जो हाई कोर्ट का कॉलेजियम हो उसमें वो जो राज्य हो उस राज्य सरकार के प्रतिनिधि जो हैं उन्हें शामिल करने का सुझाव दिया गया है। जज नियुक्ति की जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसमें सरकार के प्रतिनिधि शामिल किए जाएं ये साफ तौर पर कहा गया है। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे लीगल अफेयर्स एडिटर आशीष भार्गव का। आशीष, ये टकराव जो कोर्ट और सरकार के बीच है ये खत्म होता नजर नहीं आता और एक तरह से यहां पर पारदर्शिता की बात दोनों ही पक्ष कर रहे होते हैं और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो सरकार के दखल को साफ तौर पर सही नहीं बताता या एक तरह से कहीं गलत बताता है और दूसरी तरफ सरकार इसे कहती है कि ये सार्वजनिक जवाबदेही के लिए और संचार के लिए जरूरी है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ये टकराव काफी समय से अब चल रहा है। खासकर किरण रिजिजू जो केंद्रीय मंत्री हैं, कानून मंत्री हैं, उन्होंने लगातार 1-1.5 महीने से ये सवाल उठाने शुरू किए हैं। उसके बाद उपराष्ट्रपति धनखड़ इसमें शामिल हुए, ओम बिरला जो लोकसभा स्पीकर हैं वो भी इसमें शामिल हुए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट लगातार अपनी बात पर अड़ा हुआ है, वो प्रशासनिक तरीके से भी और जुडिशियल तरीके से भी वो आदेश पारित करता रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले एक आदेश पारित किया था और बार बार ये कहा था अटॉर्नी जनरल को कि वो जो संवैधानिक पदों पर जो बैठे व्यक्ति हैं उनको राय दें, उनको अपनी ओपिनियन दें, उनको समझाएं कि वो न्यायपालिका के खिलाफ इस तरह बयान ना दें और जब तक कोलिजियम इस देश का कानून है केंद्र सरकार को उसका पालन करना होगा। तो निश्चित तौर पर एक ऐसी स्थिति है जहां पर टकराव साफ तौर पर नजर आता है जजों की नियुक्ति को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि जिस तरह का ये सुझाव दिया गया है केंद्रीय मंत्री द्वारा वो कहीं ना कहीं NJAC जो रद्द कर दिया गया था जजों की नियुक्ति को लेकर जो कानून है उसी को बैकडोर एंट्री एक बार फिर दोबारा से कराने की कोशिश है। लेकिन जो केंद्र सरकार है वो लगातार इस ये बात कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने सवाल पहले से उठाए हैं। जस्टिस रूमा पाल ने 2011 में भी कहा था कोलिजियम सिस्टम ठीक नहीं है, जज ही जज को चुनते हैं और ऐसे में पारदर्शिता नहीं हो सकती। तो निश्चित तौर पर वही एक आधार बनाया गया है, लेकिन ये लड़ाई अभी थमने वाली इस तरीके से नहीं है। बहुत सारी अभी भी पेंडिंग है जो सिफारिशें सुप्रीम कोर्ट ने की थी कॉलेजियम ने केंद्र सरकार को। हालांकि पिछली सुनवाई में अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि 110 में से 44 सिफारिशों को 3 दिनों के भीतर लागू किया जाएगा, मंजूरी दी जाएगी और कुछ सिफारिशों को मंजूरी दी गई है। तो निश्चित तौर पर यह जो टकराव है ये अभी थमने वाला दिख नहीं रहा। जी बिल्कुल आशीष, यहाँ पर ये सवाल और ये आरोप बार बार लगते भी रहे हैं कि किस तरह से संवैधानिक संस्थाएं जो हैं उन्हें कमजोर किया जा रहा है। ऐसे में ये बात ये जो चिट्ठी है या ये जो झगड़ा चल रहा है, ये जो टकराव चल रहा है, ये इस बात को और आगे बढ़ाता हुआ भी दिखता है एक तरफा अगर देखा जाए तो। देखिए टकराव अगर देखें तो कोई नया नहीं है, 2014 के बाद से ही टकराव शुरू हुआ जब मोदी सरकार कानून लेकर आई अगस्त में ही NJAC यानी जजों की नियुक्ति को लेकर एक आयोग बनाने की बात थी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन इसका नाम था और इसमें CJI दो वरिष्ठ जज, केंद्रीय मंत्री और दो एमिनेंट पर्सन जो जुड़ने की बात थी, दो प्रख्यात शख्सियत जो प्रधानमंत्री और LOP के विचार विमर्श से जोड़ी जानी थी। लेकिन केंद्र सरकार के इस पूरे एक्ट को 2015 में 5 जजों के संविधान पीठ ने रद्द कर दिया था और ये तभी से किसी न किसी रूप में कम या ज़्यादा तौर पर आता रहा है और एक बार फिर अब जो है केंद्र सरकार की ओर से कॉलेजियम पर जो प्रहार हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं पिछले कुछ दिनों में।